अध्यक्ष महोदय, राजस्थान माल सेवा और सेवाकर तृतीय संशोधन विधेयक 2020 पर सदन विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उद्देश्य और कारणों का कथन उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें उल्लेखित किया है विधेयक का खंड दो, राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा दो के खंड 114 के उपखंड गय और गय को संशोधित करने के लिए इच्छित है कि जिसमें संघ राज्य क्षेत्र की परिभाषा को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और दादर और नागर हवेली तथा दमन द्वीप संघ राज्य क्षेत्र का विलय अधिनियम 2019 के अनुरूप किया जा सके। मूल रूप से ये जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 है, इसकी पृष्ठभूमि में जानना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठन क्यों हुआ? हिंदुस्तान के अंदर आजादी के बाद लंबे समय से मांग करी होती रही थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 और 35 के माध्यम से जो आम भारतीयों को वंचित किया गया था, उस धारा को समाप्त किया जाए। और प्रसन्नता इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और देश के गृह मंत्री जी ने आज इस क्षेत्र उसकी परिभाषा के अंदर यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार संशोधन करना था, वो आप लेकर आए हैं मंत्री जी। और इसके साथ ही आप जीएसटी के एक्ट के एक्ट 2017 में सेक्शन 10(2) में खै गए और खै, इसमें जो व्यवहारी है जीएसटी चुकाने का विकल्प और इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने का, इसका भी एक संशोधन लेकर आए हैं। और उसके साथ ही अगर किसी ने व्यापारी ने अगर वो जीएसटी के दायरे से बंद हो गया, अपने व्यापार को बंद कर दिया, तो 29(1)(c) के अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। और उसके साथ ही जो आपका जुडिशियल टैक्स अथॉरिटी है, उसमें वाद दायर करने का समय इसलिए एक्सटेंड किया जा रहा है कि कुछ लोग वैश्विक महामारी के कारण वाद दायर नहीं कर पाए। आप सेक्शन 30(6) के अंदर एक संशोधन लेकर आए हैं। और उसके साथ सेक्शन 51 के अंदर आप जीएसटी का सोर्स एंड डिडक्शन के लिए संशोधन लेकर आए हैं। और सेक्शन 32(1) में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट में कार्रवाई करने का लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर ये प्रोसीजरल अमेंडमेंट आप लेकर आए हैं और आपने बड़ी खूबसूरती से यहां तक कह दिया कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के पूरे कानून में इतनी कमी छोड़ दी, उसमें संशोधन हुआ। शायद आप भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बार गए, मैं जीएसटी काउंसिल की कार्रवाई जो नेट पर है उसको अध्यक्ष महोदय पढ़ता हूं। एक शब्द भी एक बार आप बोले हो वहां जाकर नींद लेने के अलावा आपने कुछ किया नहीं। और अगर अगर आपको अगर किसी प्रकार के संशोधन के अंदर इन्होंने जिस प्रकार स्कोप ऑफ बिल से बाहर जाकर के अंदर सरकार को आरोपित किया है, इसलिए शरीफ आदमी की जबान खुल रही है। ये कहकर आप आपका जो कर्तव्य तो उसको पूरा नहीं कर पाए। अभी आपने बोलते हुए कहा कि हमारा बहुत सा जीएसटी कंपनसेशन का पैसा बाकी है। अरे दो तीन में इसमें क्यों मिक्सअप कर रहे हैं? तो डोंट कंफ्यूज इट। आप निवेदन करना चाहूंगा उसमें जा रहे हैं क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ये जो प्रोसीजरल अमेंडमेंट लेकर आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं 132(1) के अंदर जो फर्जी इनपुट जिन्होंने टैक्स क्रेडिट ले लिया उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आप संशोधन लेकर आए। मंत्री महोदय, जीएसटी का बिल आज तो आया नहीं, संशोधन आप लेकर आए। ये सदन जानना चाहता है कि राजस्थान में इस आधार पर आपने कितने लोगों के खिलाफ कितनों को नोटिस दिया, कितनों लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की। ये सदन
1857 के अंदर जो जीएसटी का सोर्स ऑफ डिडक्शन था, क्या इससे पहले आपने सोर्स ऑफ डिडक्शन पर नहीं किया? इसका आधार क्या है, मैं यह जानना चाहता हूं और निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर जीएसटी का कलेक्शन कम हुआ, इसे सारे प्रोसीजर अध्यक्ष महोदय इस बात को इंगित करते हैं और ये कोविड-19 की छाया के अंदर यह संशोधन आए, इसलिए यह बात निश्चित तौर पर सामने आएगी। इन संशोधनों की पृष्ठभूमि क्या है? ये प्रोसीजरल संशोधन जो आप लेकर आए हैं, इनकी पृष्ठभूमि यही है, वैश्विक महामारी आ गई और सारे कल कारखाने बंद हो गए। तो मंत्री महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपको केंद्रीय करों में जो हिस्सा था 46,000 करोड़ का, वो केंद्र ने दे दिया। आपके फिजिकल डेफिसिट का पैसा था, वो दे दिया। एसडीआरएफ का पैसा आपको मिल गया। ये जो आत्मनिर्भर भारत है, इस आत्मनिर्भर भारत का पीछे लक्ष्य एक ही था, जीएसटी का कलेक्शन कम हो रहा है, आप संशोधन लेकर आए, तो किस प्रकार वापिस इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी खड़ी हो। ये 25,00,000 करोड़ का जो पैकेज है, जो 10% हमारी जीडीपी का है, भूतों ने भविष्य है, आप इसमें कैटलिस्ट की भूमिका क्यों नहीं निभाते? आप राजस्थान में इस किस्म में जीएसटी की जब चर्चा चल रही है, तो सदन निश्चित तौर पर चिंतित है कि प्रोसीजर जो संशोधन आए हैं, इसके पीछे जो पृष्ठभूमि है। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, आपके पास अगर बातें पूरी है, क्योंकि आपकी आदत है, ईश्वर ने आपको एक कला दी है, आप इधर उधर की कह के निकल जाओगे। और आज आपने यहां आने के बाद इसको देखा है, पहले आपने देखा भी नहीं, तो इसलिए मैं आपसे उम्मीद तो नहीं करता, पर मैंने जो सवाल खड़े किए हैं, कितने लोगों ने सेक्शन 29(1)(c) के अंदर व्यापार अपने कम होने के कारण से, कितने लोग जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड जो लोग थे, स्वास्थ्य मंत्री जी, कितने लोगों ने इस जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन से, जो आपने सेक्शन 29(1)(c) में लेकर आए, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन रद्द आपने किया? ये सवाल आप बताएं। ये संशोधन के नाम पर हम विधान बनाने वाली विधानसभा में जब सवाल करते हैं, तो जिन सेक्शनों के अंदर आप संशोधन लेकर आए हैं, अपने उत्तर में आप बताएं कि इन सेक्शन, इन सारे धाराओं में संशोधन लेने के पीछे पृष्ठभूमि क्या थी? कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए? कितने सोर्स ऑफ डिडक्शन कम हुए? कितने लोगों के आपने इनपुट क्रेडिट गलत लेने के कारण से मामले दर्ज किए? इन सारे अनुत्तरित सवालों का जवाब आप दें अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन है कि जनमत जानने के लिए इनको प्रचारित करो, और आपकी जो हाई पावर कमेटी है, इसमें आप पूरी इकोनॉमी को